Hey guys, my name is Zev. Welcome back to JP Studio. In this episode, I will show you how to create lighting flash effect on KineMaster. So first of all, you have to download latest version KineMaster and black screen lightning effect. Both link are given on description, so must check the description link. In this episode, I will cover how to shoot in high speed and how to edit the light and animate on the video. So don't forget to like and subscribe to my channel. Without any wasting your time, let's start the video. दोस्तों, वीडियो को फास्ट कैसे शूट करना है। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन को आपको कोई ऐसे स्टेबल जगह पर रख लेना है। फिर हमें वीडियो को टाइम लैप में शूट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं कैमरा सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा को ओपन कर लेना है। फिर हमें वीडियोज़ में चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको टाइम लैप का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। टाइम लैप्स ऑन होने के बाद हमें सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। फिर हमें वीडियो क्वालिटी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको आपके फोन में जितना हाई रेजोल्यूशन मिलता है उस पर क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों हमें टाइम लैप्स इंटरवल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको 2x कर लेना है। तो दोस्तों इतनी सेटिंग्स हो जाने के बाद हमें वीडियो को स्टेबल शूट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड यूज किया था वीडियो को स्टेबल शूट करने के लिए। दोस्तों लास्ट सीन के लिए मैंने वीडियो कंटिन्यू रखा और ट्राइपॉड लेके भागा और उस फुटेज को मैंने कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो शूटिंग खत्म होती है। अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। तो चलिए दोस्तों वीडियो एडिटिंग देख लेते हैं। The shooting of this video is very simple and easy, but the lightning flash effect is very accurate editing on KineMaster. So let's see how to edit this. तो दोस्तों KineMaster के टाइमलाइन पे जो आपने वीडियो शूट किए वो सभी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो फुटेज आ जाने के बाद दोस्तों आपको सभी को ट्रिम कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट से वीडियो को ट्रिम कर लेता हूँ। वीडियो ट्रिम हो जाने के बाद सभी फुटेज को हमें स्पीड कर लेना है। दोस्तों आपके वीडियो पहले से ही स्पीड में होगा, लेकिन हमें इसका थोड़ी हाई स्पीड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 2x या 1.5x करके वीडियो को हमें हाई बिटरेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर दोस्तों उसी वीडियो को हमें KineMaster के एक न्यू प्रोजेक्ट में ले आना है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो आ जाने के बाद हमें जहाँ जहाँ पर लाइट लगानी है उस एरिया पे बुकमार्क लगा देना है। दोस्तों बुकमार्क कैसे लगाना है, तो आपको ये एरिया पे क्लिक करते जाना है और बुकमार्क ऐड होते जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चले मैं बुकमार्क लगा देता हूँ। सो गाइस अब देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे बुकमार्क लगा रहा हूँ। इस एरिया पे हमें बुकमार्क लगा देना है जो जो एरिया पे हमें लाइटनिंग लगानी है। तो दोस्तों मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लाइट इफेक्ट दिया है उसको आपको ध्यान से देख लेना है। पहले देखने के बाद आपको इमेजिन कर लेना है माइंड में कि आपके फुटेज में आप कौन सा पार्ट लोगे ये लाइटनिंग इफेक्ट का। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि वीडियो को एडिट कैसे करना है, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि आपके फुटेज के हिसाब से आपको लाइटनिंग ऐड करनी है वीडियो में, तभी आपका वीडियो बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। और साउंड इफेक्ट और बाकी सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, सिंपली आपको डाउनलोड करके यूज करना है। विदाउट कॉपीराइट आपको सब फ्री में मिल जाएगा। इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर पे हमें क्लिक कर लेना है। फिर हमें उसके ब्लेंडिंग मोड में चले जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है ताकि आपकी वीडियो में ये मैच हो जाए। फिर दोस्तों इसको हमें एनिमेट करना है, तो इसके लिए आपको एनिमेशन की पे क्लिक कर लेना है और दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा स्ट्रेच कर लेना है। जैसे दोस्तों फोटो जूम इन करते हैं ना, वैसे हमें इस वीडियो को स्ट्रेच कर लेना है। वीडियो पूरा स्ट्रेच हो जाने के बाद हमें एनिमेशन की लगाते जाना है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा आगे ले जाना है। अगर आपका फुटेज और लाइट अलग अलग हो जाता है तो आपको लाइट को अच्छे से सेट कर लेना है। ऐसे करते करते हमें एनिमेशन लगा देना है पूरे वीडियो में। तो दोस्तों यही टेक्निक से हमें पूरा वीडियो को एनिमेट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपने जो जो जगह पर बुकमार्क लगाया है ना, वो जगह पर हमें लेयर पे ब्लैक स्क्रीन लेनी है और बहुत ही अच्छे से हमें एनिमेशन की यूज करके पूरे वीडियो को एनिमेट कर लेना है। फिर दोस्तों हमें साउंड इफेक्ट ऐड करना है। तो दोस्तों मैंने अलग अलग तरह के लूप साउंड, ट्रांजिशन साउंड, अलग अलग तरह के साउंड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, उसको डाउनलोड कर लेना और जो आपके वीडियो में मैच होता हो ना उसको ऐड करके देख लेना। अगर अच्छा लगे तो उसको डन कर लेना वहीं पे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर देना, क्योंकि हमने इसी तरह के बहुत से कॉन्टेंट बना के रखे जिनको देख के आप बहुत कुछ एडिटिंग में सीख सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने अच्छे से एडिट कर लिया है, अब मैं इस प्रोजेक्ट की एक झलक दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत सारी लेयर मैंने बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से एडिट करना है और बहुत ज़्यादा टाइम लेके एडिट करना है, तभी आपका वीडियो बहुत ही कूल बनेगा। तो दोस्तों मैंने इस लेयर को डबल क्यों किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वीडियो फुटेज में ये लाइट थोड़ी कम दिख रही है, तो हमें इस लेयर वीडियो फुटेज पे क्लिक कर लेना है, फिर हमें इसका डुप्लीकेट बना देना है ताकि ये डुप्लीकेट की वजह से ये ज़्यादा चमक आए वीडियो में। सो गाइस सभी लेयर को आपको ऐसे ही डुप्लीकेट करते जाना है ताकि वीडियो में बहुत ही अच्छे से ग्लो आए और बहुत ही अच्छी लाइट दिखे वीडियो में। सो गाइस यही ट्रिक थी। और दोस्तों अनलिमिटेड लेयर कैसे करने है? क्योंकि बहुत लोगों के काइन मास्टर में ना अनलिमिटेड लेयर नहीं होती, सिर्फ 3 लेयर होती है, उससे मजा नहीं आती एडिटिंग में। तो दोस्तों इसकी सीक्रेट ट्रिक क्या है, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको काइन मास्टर के सेटिंग्स में चले जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू एनीवे कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, इसको आपको ऑन कर लेना है। दोस्तों आप बाकी के चीज़ें भी ऑन कर सकते हो, अगर आपके काइन मास्टर में ये सब अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं मेरे वाले काइन मास्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आप डाउनलोड करके यूज कर लेना। सो गाइज अब बारी आती है लास्ट फुटेज को कैसे एडिट करना है, तो यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और आपको फिश आई वाला एक इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आपके काइन मास्टर में अवेलेबल नहीं है तो आपको गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, फिश आई का आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन लाइटनिंग इफेक्ट ऐड कर लेना है, तो आपका फुटेज बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। फिर दोस्तों इस फुटेज में साउंड इफेक्ट डाल देने और कोई भी एक अच्छा सा म्यूजिक डाल देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को हाई बिटरेट पे सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो को कैसे कलर ग्रेड करना है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक एपिसोड बना के रखा है, ऊपर आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, उसको देख लो, बहुत ही अच्छे से कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैंने समझा के रखा है। सो गाइस इसको कलर ग्रेड करो, म्यूजिक अच्छा अच्छा लगाओ, ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाओ ताकि आपका वीडियो टिकटॉक पे बहुत ही अच्छे से वायरल हो जाए और आप टिकटॉक स्टार बन जाओ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि यार हमने इसी तरह के बहुत से कॉन्टेंट बना के रखे जिनको देख के आप बहुत कुछ एडिटिंग में सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक।